ये गाइस कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में खेलने हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज से बन स्टार्ट करने वाले, जो कि अपने चैनल की दूसरी वीडियो बना रहे थे। वो वाला वर्ल्ड जो मैंने डिलीट हो गया, क्योंकि उसमें वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें जो लैग बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने वो वाला जो है माइनक्राफ्ट डाउन अनइंस्टॉल कर दिया और मैंने दूसरा माइनक्राफ्ट जो है डाउनलोड कर लिया। तो सॉरी उसके लिए गाइस, तो मैं जो है एपिसोड पन डालने वाला हूँ उस वाली सीरीज का। तो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। तो पहले जो मैं कुछ लकड़ी को काट लेता हूँ, क्योंकि मैं जो एक क्राफ्टिंग टेबल या कुछ वैसे टूल बनाने पड़ेंगे। तो मैं मिलता हूँ लोग थोड़े बहुत टूल्स बनाने के बाद। तो मैं स्टोन माइन कर लिया, तो मैं पहले एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ, फिर एक पिकैक्स बना लूँ। पहले स्टिक बना लेते हैं, स्टिक हमारे पास बहुत कम है। पहले स्टिक बना लेते हैं, फिर एक एक्स बना लेते हैं, फिर एक पिकैक्स बना लेते हैं। तो मैं मिलता हूँ लोग विलेज फाइंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो इसको कलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं चलता हूँ विलेज फाइंड कर, क्योंकि मैं जो विलेज चाहिए होगा कुछ वुड माइन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आगे काम आ सकता है इसका। तो मैं लकड़ी काट लेता हूँ थोड़ा बहुत, आगे काम आएगी ये सारी। तो या चलते गाइस अपनी इन्वेंट्री थोड़ी ऊपर सा अंदर कर देते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रही लग रहा है यहाँ पे। तो मैं चलता हूँ विलेज फाइंड करने के लिए। तो मैं जो पहले तो बेड बनाना पड़ेगा, तो मैं बकरियों को मारता हूँ। तो मैंने काफ़ी सारा बुल कलेक्ट कर लिया, तो मैं इसको जो क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे प्लेस करके अब जो है एक बेड बना लेता हूँ मेरे लिए, जो कि मेरे लिए नाइट को डे में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी अपन चलते हैं विलेज फाइंड करने के लिए। तो आज मैं जो इसके पीछे साइड जाने वाला हूँ विलेज फाइंड करने के लिए, मुझे विलेज लगता है इसी साइड कहीं मिलेगा। अगर मुझे विलेज जल्दी मिलता है तो हम लोग से मिलता सिर्फ 2 मिनट के अंदर, क्योंकि विलेज फाइंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ लेट्स स्टार्ट नाउ थोड़ा। तो गाइस मैं जो यहाँ पे आ ही रहा था, तो सामने देखो गाइस विलेज मिल गया है हमें, तो काफ़ी पास में जल्दी मिल गया। मैं उस साइड में इस बन हुआ था, यहाँ पे पास में जो है विलेज मिल गया। तो फिर जो मैं खाना वाना कलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत मेरे लिए। तो मैं चेस्ट वेस्ट लूटता हूँ, चेस्ट में तो कुछ मिलता नहीं, पर मैं यहाँ पे जो अपना बेड बेड लगाता हूँ वहाँ से आने के बाद। तो वो हमारा विलेज उस साइड पीछे की साइड है, तो मैं जो यहाँ पर रहने वाला हूँ, तो मैंने विलेज को लूट लिया है। तो बाकी तो मैं यहाँ पर अपना बिस्तर लगा देता हूँ, और बाकी मैं शुगर कैन को जो है ये वाला शुगर कैन काट के जो दोबारा लगा दूँगा, कि शुगर कैन और भी ज़्यादा मात्रा में उग सके। तो एक पानी में चला गया, इसको उठा लेते हैं, बाकी इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, अभी और भी ज़्यादा ग्रो हो जाए। तो गाइस जो जो विलेज में जो आयरन गोलम था, मैंने उसको मार के जो कुछ आयरन मिला, 4 आयरन मिला, तो मैंने उससे भी पिकैक्स बना देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी माइनिंग पर जाना है। तो अभी कुछ वुड माइन करने चलते, क्योंकि हमें वुड की बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही, तो मैं कुछ जो है थोड़ा बहुत ट्रीज को चॉप कर लेता हूँ। तो मैंने तब उसे भी 2 मिनट के अंदर, क्योंकि मैं जो आयरन माइनिंग पर भी जाना है, और मैं अपने लिए पावरफुल आर्मर भी बनाना है आयरन का। तो अभी मैं जो माइनिंग पे गया था, पर मेरे पास माइनिंग के अंदर जो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, मैं जो भाई कोयल को माइन करने आया था, क्योंकि वहाँ पे जब कोई भी माइनिंग में कोयल नहीं मिला था, मैं यहाँ पे जो है टॉर्च बनाने के लिए कुछ कोयल मिल जाता, मैं कोयल को माइन कर लेता हूँ, फिर चलते अपन आयरन माइनिंग पे। तो मैंने यहाँ पे जो काफ़ी सारी टॉर्चेस बनाई, तो मैं यहाँ पे जो माइनिंग बनाई थी इसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, इसलिए मैं कोयल को माइन करने गया था। अभी जो है यहाँ पे टॉर्च प्लेस कर देता हूँ, ओपन चलते हुए माइनिंग आयरन माइन करते हैं। तो लेट्स टर्न ऑफ। तो यहाँ पे जो है बहुत सारा टाइम लगने वाला था, मैं को जो है थोड़ा वीडियो फास्ट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो अपना बल्ड का पहला आयरन मिल चुका है, तो उसको भी जो है अपन माइन कर लेते हैं, क्योंकि वो दूसरा आयरन भी हमको मिल चुका है। तो काफ़ी सारे आयरन मिलने वाले हैं, क्योंकि हमें जो अपना एक आर्मर बनाना और टूल्स भी बनाने, तो काफ़ी सारे आयरन लगने वाले। तो मैं आपको मिलता हूँ सिर्फ 2 मिनट के अंदर काफ़ी सारे आयरन माइन करने के बाद। तो मैंने जो काफ़ी सारा आयरन माइन कर लिया, मैंने जो स्मेल्टिंग रख दिया था उसमें जो कुछ बहुत सारा स्मेल्टिंग हो रहा था, मैं कुछ जो आयरन आर्मर बना लेता हूँ, और कुछ टूल बना लेता हूँ। पहले चेस्ट भी बनाते हैं, फिर हेलमेट बना लेते हैं, फिर लेगिंग्स बना लेता हूँ, कुछ बूट्स भी बना लेता हूँ, और मैं कुछ एक स्वेट बना लेता हूँ, एक एक्स बना दी, एक पिकैक्स एंड एक शॉवल एंड हो बना लेता हूँ। तो मैं काफ़ी सारे जो आयरन मिला था मेरे को उस माइनिंग में करते करते, काफ़ी टाइम भी लगा मेरे को, और कुछ आयरन जो इसमें अपना स्मेल्ट हो रहा है। तो मुझे जो काफ़ी सारा टाइम लग गया माइनिंग करते करते, तो मैं जो अपने एक बार आयरन आर्मर को दिखा दूँ कैसा लग रहा हूँ, मैं अपने वर्ल्ड का पहला आर्मर पहना हुआ है। तो गाइस वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं जो अभी प्यारा सा हाउस भी बनाने वाला हूँ यहीं पर, क्योंकि तो अपना जो विलेज वो पीछे की साइड है, पर मैं अपना विलेज अपना यहाँ पर बनाने वाला हूँ अपना हाउस। तो यहाँ लेट्स स्टार्ट नाउ वीडियो। तो उसके लिए मैं जो काफ़ी सारे रिसोर्सेज लगने वाले, तो मेरे रिसोर्स कलेक्ट करके लेके आता हूँ।
मुझे अपने हाउस बनाने के लिए जो आपको एरिया दिख रहा है ना पीछे के साइड का, जहाँ पे मैंने चेस्ट लगा रखी है, तो वो सारा मेरे को एरिया क्लीन करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है एंड बहुत सारी सवाल टूटने वाली है। तो आज मेरी और आयरन बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है, तो मैं मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। A few minutes later. तो मैंने ये सारा एरिया जो आप लोग देख रहे हो बहुत सारा मेहनत लगा, तो मैंने ये सारा एरिया जो क्लीन कर दिया। इसके जो स्टोन है मैं बाद में देखूंगा इसको। अब मुझे सामने का एरिया फिल करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ उसके जहाँ पे मेरे जो पानी है ना वहाँ पे मैं जो ये वाली जो डर्ट भरी मेरी इन्वेंट्री में सारी डर्ट को मैं वहाँ पे लगा देता हूँ। तो चलिएगा इसमें वहाँ पे डर्ट लगाता हूँ, क्योंकि मुझे सामने टाइम पे यहाँ पे वो जो है डर्ट लगानी है, वहाँ पे मैं अपना हाउस बनाऊंगा। तो मैं वहाँ पे सारी डर्ट फिल करने के बाद मिलता हूँ सिर्फ 2 मिनट के अंदर। Two hours later. तो अभी जो है मैंने पूरे पानी को जो पूरे डर से भर दिया, जो भी आपको जो वहाँ पे पानी पानी दिख रहा था वो मैंने सारा डर से भर दिया। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट हो गया मेरा। तो मैं अभी जो गिलास बनाने के लिए जो सैंड चाहिए मेरे को, कुछ सैंड मेरे पास पड़ी है, तो मैं जो गिलास बनाऊंगा। जो आपको उस पहाड़ दिख रहा है ना सामने को, वो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से काटा है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैंने काफ़ी सारी पिकैक्स और एक्स सवल टूटी बहुत इसको पहाड़ पर तोड़ते हमें। तो मैं जो मेरे पास जो कुछ सैंड पड़ा है मैं इसको जो इसको ना स्मेल्ट में लगा देता हूँ, ताकि इसका जो गिलास बन जाए, क्योंकि मैंने हाउस में जो गिलास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं जो खिड़की अपनी गिलास से बनाएंगे। तो मैं चलता हूँ अपनी और भी ज़्यादा सैंड लेने। मैं ना सैंड के साथ साथ ना काफ़ी सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करके लेकर आता हूँ, काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी होने वाली है। तो मैं चलता हूँ इसमें थोड़ा बुट डाल देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा जब तक मैं सैंड लेकर आऊँ तो ये स्मेल्ट होता रहेगा। और मैं सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने का मिलता हूँ आप लोगों से। Hours later. तो मैंने भाई सारे रेशियो से कलेक्ट कर लिया है। तो मैं अपने हाउस बनाने के लिए मैंने जो काफ़ी सारे वुड एंड डीप स्लेट को माइन करके लेकर आऊँ, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। पहले जो मैं स्टोन बना स्टोन कटर बना लेता हूँ, उससे मैं जो स्टोन काफ़ी जल्दी कटने में मदद होगी। तो मैं सोच जो काफ़ी सारे स्टोन काट लेता हूँ, शुरू करते अपने घर बनाने। तो गाइस फास्ट फॉरवर्ड में देखो, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो मैंने जो वीडियो को फास्ट कर दिया, तो उसको देखते रहना आप लोग। तो अपना हाउस बन के रेडी, तो मैं आप लोगों को एक और अपना हाउस का टूर दिखा देता हूँ। तो भाई जी देखो, टन टन है सरप्राइज। तो भाई तुम्हें जो हाउस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, अगर आप लोगों को जो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में एक कमेंट जरूर कर देना कि ये घर आपको कैसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस घर को बनाने में। तो मैं भाई अंदर से दिखा दूँ आप लोग अंदर से क्या है। तो अंदर से मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं इसके अंदर, तो मैं भाई फिर भी चल कर दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था, इस वाली वीडियो को एंड पे करना था एंड काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, इसलिए मैं उसको अंदर से फिल नहीं करवाया। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है खूबसूरत बनाऊंगा। आई होप लोगों को वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वाला घर कैसा लगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय।